मध्य प्रदेश के कृषि मंत्री कमल पटेल ने हरदा में पत्रकारों से चर्चा करते हुए कहा कि प्रदेश में खाद की कोई कमी नहीं है, किसानों को पर्याप्त मात्रा में खाद मिल रहा है। वहीं उन्होंने आला अधिकारियों को खाद की कालाबाजारी करने वालों के खिलाफ सख्त कार्रवाई का आदेश भी दिया है। कृषि मंत्री पटेल ने सोमवार को कलेक्ट्रेट सभाकक्ष में मीडिया प्रतिनिधियों से चर्चा करते हुए कहा कि आगामी 15 नवंबर को भगवान बिरसा मुंडा की जयंती के अवसर पर भोपाल के जम्बूरी मैदान में आदिवासी महाकुंभ आयोजित किया जाएगा, जिसे प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी मुख्य अतिथि के रूप में उपस्थित होकर संबोधित करेंगे। वहीं खाद की कमी को लेकर उनका कहना है कि प्रदेश में खाद की कोई कमी नहीं है, किसानों को पर्याप्त मात्रा में खाद उपलब्ध कराया जा रहा है। आज माननीय मुख्यमंत्री जी ने 15 नवंबर को क्रांतिकारी वीर भारत माता के सच्चे सपूत आदिवासी, एक तरह से आदिवासियों के हमारे एक तरह से महापुरुष बिरसा मुंडा जी की जन्म जयंती पर आदिवासी गौरव दिवस के रूप में मनाया जाएंगे और प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी जी भोपाल आकर 1 बजे इस महाकुंभ और आदिवासी गौरव दिवस को संबोधित करके और 1 करोड़ से अधिक लोग जो आदिवासी हमारे प्रदेश में बसते हैं उनको संबोधित करेंगे। दूसरा, खाद की भी समीक्षा उन्होंने की और पूरे प्रदेश में खाद की पर्याप्त उपलब्धता है, हमने वितरण की अच्छी व्यवस्था की है, कालाबाजारी पर रोक लगाई है और इस कारण किसानों को हम जितनी आवश्यकता उतना खाद उपलब्ध करा रहे हैं। दूसरा, हमने इस बार किसान को सिर्फ डीएपी नहीं एनपीके का भी उपयोग करें, सुपर का उपयोग करें ताकि उनको लागत भी कम आए और इसलिए उसका भी इस बार 64,000 मेट्रिक टन ज़्यादा उपयोग एनपीके का भी हुआ पिछली बार की तुलना में, तो उसका प्रचार प्रसार किया, इसलिए किसानों को हम पर्याप्त मात्रा में खाद उपलब्ध करा रहे हैं। विपक्षी पार्टी कांग्रेस जबरदस्ती हल्ला मचा रही कि खाद नहीं है, जबकि पर्याप्त खाद है। 1-2 जगह कहीं किसी कारण खाद था लेकिन समिति प्रबंधक जिसको वितरण करना था वो छुट्टी चला गया या कहीं नहीं पहुंच पाए, लापरवाही, उस पर भी हमने खाते गांव में जैसे कार्रवाई की है ऐसे उन पर भी कार्रवाई की है, तो उसका प्रचार प्रसार करें लेकिन पूरे प्रदेश में पर्याप्त मात्रा में खाद उपलब्ध है। आप बताओ हरदा में कहीं आज तक कोई लाइन लगी क्या, कहीं कोई समस्या आई क्या? कोई समस्या नहीं है और आगे भी हम केंद्र सरकार से संपर्क में लगातार हमको डेली डीएपी की, यूरिया की, सब खाद की पर्याप्त मात्रा में हो रही है, हम सब निरीक्षण कर रहे हैं। हमने अधिकारियों को माननीय मुख्यमंत्री जी ने सख्त निर्देश दिए हैं, कहीं भी कोई कालाबाजारी करता दिखे तत्काल कार्रवाई करो, जेल में डाल दो ताकि किसी की हिम्मत ना हो कि कोई किसानों के साथ शोषण कर सके या गलत काम करें। इस प्रकार हमने खाद की भी पर्याप्त व्यवस्था करने में सफलता प्राप्त की है। प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी जी ने 6 अक्टूबर को हरदा जिले के समस्त ग्रामीण क्षेत्रों को 402 गाँव के 46,944 लोगों को जो मालिकाना हक का दस्तावेज दिया है उसके लिए मैं एक बार पुनः उनका आभार व्यक्त करता हूं, मुख्यमंत्री जी का आभार व्यक्त करता हूं। और आज मैंने कलेक्टर कार्यालय में एक समीक्षा बैठक की और उसमें निर्देश दिए हैं कि हरदा जिले को हम प्रधानमंत्री स्वामित्व योजना देश का पहला जिला बनाए, इसको पायलट प्रोजेक्ट में लेकर हरदा जिले के किसानों को और ग्रामीण क्षेत्र में किसानों को उद्योगपति बनाएंगे, किसान अपनी यूनिट लगाएंगे, जो किसान उत्पाद करता है सोयाबीन का, गेहूं का, चने का, टमाटर का, सिर्फ अभी तक वो खेती करने के लिए और मजदूरी करने के लिए मजबूर थे गांव के लोग, अब उनको खेती और मजदूरी के साथ वो उद्योगपति भी बनेंगे, व्यवसाय भी करेंगे और यूनिट लगा के सब्सिडी का भी पहली बार गांव के किसानों को लाभ मिलेगा और उसका पायलट प्रोजेक्ट हरदा से हम शुरू कर रहे हैं। तो 100 यूनिट इस बार लगाएंगे, 100 यूनिट अगले बार लगाएंगे और इन 200 यूनिट के माध्यम से ग्रामीण क्षेत्र के उद्योगपति 200 हमारे किसान और किसान के समूह बनेंगे और मजदूरों को काम भी मिलेगा और हम कैश क्रॉप लगाएंगे, बोएंगे ताकि उस जैविक खेती की ओर भी ले जाएंगे ताकि उनको 2-3 गुना रेट मिले। तो इस प्रकार किसान की आय जो प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी जी का संकल्प है 2 गुना करने का, उसको हम पूरा करने में देश में नंबर 1 होंगे। हरदा से कपिल घाटे की रिपोर्ट।